खबर लखनऊ से है, जहां पर पूर्वांचल के लिए चलाई जाएंगी अतिरिक्त बसें। छठ पूजा के लिए चलाई जाएंगी स्पेशल बसें। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि जहां पर छठ पूजा के लिए अब स्पेशल बसें चलाई जाएंगी, पूर्वांचल के लिए अतिरिक्त बसें चलाई जाएंगी, यात्रियों की सुविधा के लिए चलाई जाएंगी अतिरिक्त बसें। बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, पूर्वांचल सफर करने के लिए चलाई जाएंगी 125 बसें। छठ पूजा के चलते ड्राइवर कंडक्टर की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई हैं। आपको बता दें कि छठ पूजा के चलते ड्राइवर और कंडक्टर की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। पूर्वांचल के लिए स्पेशल बसें चलाई जाएंगी। छठ पूजा के पर्व को देखते हुए स्पेशल बसें चलाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। हरदोई से खबर है, जहां पर मजदूर की लाठी डंडों से पीट पीट कर हत्या करने का मामला सामने आया है। परिश्रू ने ठेकेदार पर लगाया हत्या का आरोप। बड़ी खबर आपको हरदोई से बता रहे, जहां पर मजदूर की पीट पीट कर हत्या कर दी गई है। शहर कोतवाली के कोथेलिया गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो मजदूर की लाठी डंडों से पीट पीट कर हत्या कर दी गई है। बड़ी खबर आपको हरदोई से बता रहे, जहां पर मजदूर की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। परिश्रू ने ठेकेदार पर लगाया है हत्या का आरोप। तो वहीं परिश्रू ने ठेकेदार पर हत्या का आरोप लगाया है। एलडीए दफ्तर में लगेगी जनता अदालत। बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे, जहां पर एलडीए दफ्तर में अब जनता अदालत लगाई जाएगी। प्राधिकरण से जुड़े मामले की होगी सुनवाई। तो प्राधिकरण से जितने भी मामले जुड़े हैं उनकी सुनवाई की जाएगी। दोपहर 2 बजे तक लगेगी जनता अदालत। एलडीए में आज जनता अदालत लगाई जाएगी। प्राधिकरण से जुड़े जनहित मुद्दों का होगा निपटारा। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष इंद्रमणि त्रिपाठी करेंगे सुनवाई। तो लखनऊ के एलडीए दफ्तर में लगेगी जनता अदालत। प्राधिकरण से जुड़े मामले की सुनवाई की जाएगी। बता दें कि जितने भी प्राधिकरण से जुड़े मामले हैं आज उनकी सुनवाई की जाएगी। जनता अदालत लगाई जाएगी। दोपहर 2 बजे तक चलेगी जनता अदालत।